मतलब दिल संभाल के बैठे हैं कि मैं आपको दिखाने लगा हूं कि ब्रिटेन से भारत में 102 टन सोने की नई खेप मंगाई गई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन सोना भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम ट्रांसफर कर दिया गया है। क्यों जी इफ्तिखार साहब, ये होती है लीडरशिप। आई एग्री, आई अप्रिशिएट। जहां तक चाहे दुश्मन मुल्क है लेकिन लीडरशिप देखो, क्वालिटी है। खैर, जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा? मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो IMF के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नू पैसा नहीं, पान नू कपड़ा नहीं, तो गोल्ड कितों पाना है उन्होंने? मोदी साहब जो हैं बेसिकली ये अवाम को औलाद की तरह ट्रीट करना, ये सन्स ऑफ द सॉइल। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है, ठीक है। मैं भी वही बात कहूंगा कि मोदी साहब है ना, तो ऐसा हमें लीडर चाहिए। मुझे ये लगता है कि अब मोदी जी रहेंगे, जब तक वो जिंदा है ना हुकूमत उनकी रहेगी, ठीक है। जितना अच्छा वो वर्क कर रहे हैं ना, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं उन्हें दुनिया का पसंदीदा तरीन लीडर तसव्वुर किया जाता है। मोदी साहब को 10 से ज्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भी, जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, तब भी इंडिया को जो है मोदीज इंडिया के नाम से जाना जाएगा। इतना उन्होंने इंडिया के लिए काम कर दिया और इतना उन्होंने इंडिया का जो इमेज है पूरी दुनिया में जो बेहतरीन क्रिएट कर दिया। और अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, तो वो मुल्क कैसा चला रहे हैं? वो तो मुल्क चला ही रहे, वो तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं आवाम के साथ। हमारे पाकिस्तानी जितने भी है कहीं किसी से भी पूछे, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं। हमारा जो फलसफा है, दीन का जो लॉजिक है, जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पर मसलत कर दिए जाते हैं। तो गौर करो, गधे का सवार गधे जैसा ही होगा। दोस्तों, मोदी जी ने तो छक्के पे छक्के मारने ही मारने हैं। मोदी जी तो वो काम करेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। भारत को मोदी जी ने बोल दिया 1947 तक डेवलप कंट्री बनाना है, तो उनका मिशन है तो बनाएंगे, उससे पहले ही बता देंगे। दोस्तों, भारत बहुत पहले ही बन जाता अगर लोग ठीक मिलते। आप जानते हैं ना, लूटने वाले ही मिले हैं हमें आज़ादी के बाद, कोई देशभक्त तो मिला ही नहीं था। और एक कांग्रेस पार्टी ने तो लूट लूट के खाया है, बाकी जो छोटी पार्टियां हैं जो अभी चल रही हैं वो भी लूट के खा ही रही हैं। बंगाल का हाल आपने देखा ही है, लेकिन अब ये ज़्यादा चलेगा नहीं दोस्तों। अब भारत सोने की चिड़िया दोबारा से बन चुका है, विश्वगुरु बनने वाला है। बाकी रही बात पाकिस्तान की, उसकी तो आपको मालूम है, उसको तो एक एक चीज़ नज़र आती है कि भारत कहाँ पहुँच गया है। और उनका काम है सड़ना, उनका काम है जलना। और दोस्तों सच बताऊँ, उनको सड़ते और जलते देख कर मज़ा ही आता है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिवाली के मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दुवाला कर देगा। और हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन, जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। आरबीआई 102 टन्स ऑफ गोल्ड वापस इंडिया ले आए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम अब सामने आ रहा है और हर जगह पर ये न्यूज चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना, तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था, उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी हैं, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं, हमारे पाकिस्तानी जितने भी है कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे। आपको याद होगा कोई 5 months back, I think May के month में या June में हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी। उस वक्त भी हर जगह पर ये खबर चल रही थी कि 100 टन इंडिया का बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया और इंग्लैंड से कहा कि हमारा 100 टन गोल्ड वापस कर दो, और वो 100 टन गोल्ड वापस आ गया। अब ये एक और 100 टन गोल्ड दिवाली के मौके पर वापस मंगवा लिया गया है।
तो इसलिए मैंने कहा बधाइयां। अकॉर्डिंग टू आरबीआई लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिपोर्ट, दी सेंट्रल बैंक जो है उसका 855 टन्स ऑफ गोल्ड है एज ऑफ द एंड ऑफ सितंबर। मतलब कि ये तो एक टन दो टन की बात करें पाए नहीं, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है गाम। 900 टन गोल्ड है इनके पास। इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ये समझते हैं कि जो गोल्ड है और जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुई हुई है, जो हालात हैं, उसमें क्या ये जो किसी दूसरे के बैंक में गोल्ड रखा हुआ है ये सही है, और ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई रिस्क हो, तो वो समझते हैं कि ये रिस्की हो सकता है जो गवर्नमेंट। तो अगर ये इतना बड़ा स्टेप लिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उनको ये इल्म है कि आगे हालात ख़राब हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आगे पाएं कोई अच्छे हालात नहीं है। इसका मतलब ये निकला। मैं भी वही बात कहूंगा कि मोदी साहब है ना, तो ऐसा मिलीटर चाहिए यहाँ पे तो पाकिस्तान जी, एक एक बंदा और आ गया जो सपोर्ट करता है। सर क्यों मोदी साहब को सपोर्ट करें, यहाँ आपको गद्दार कह दिया जाएगा? यार देखें, वो गद्दार वाली बात नहीं है, मतलब सिर्फ आप उनकी पॉलिसी से खुश है कि जैसे उन्होंने पॉलिसियां बनाई, जैसे वो इंडिया को पांचवी बड़ी। देखो इंडिया क्या हालात में था, आप तरीके उठा के देख लो, पढ़ो उसको कि इंडिया के क्या हालात थे जब मोदी आया था, आप देख लो आप हालात। कहते ना जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीजन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए और खुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेकर देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फोन को देख लें, हर चीज तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। भारत के लिए तो अच्छा है, उन्होंने अपना, उन्होंने कहा भाई देखिए ना कुछ भी हो सकता है। खैर जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा? मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो आईएमएफ के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नू पैसा नहीं, पान नू कपड़ा नहीं, तो गोल्ड कितों पाना है उन्होंने? मतलब कहने का ये है कि वैसे गोल्ड वहाँ पे बड़े शौक से खवातीन पहनती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न लेडी या जो ऐसी खवातीन है वो अब गोल्ड पे इतना ज़्यादा वो करती नहीं है, लेकिन फिर भी गोल्ड पहना शौक से जाता है, अपने अपने उसकी बात है। भारत में तो बहुत ज़्यादा गोल्ड पहना भी जाता है, और वहाँ पे मंदिरों में बहुत ज़्यादा गोल्ड है भारत के अंदर, बहुत ज़्यादा, ये तो बात कही जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा गोल्ड है, हमें वापस कर दो, तो बस उन्होंने वापस ले लिया, दैट्स इट। अगर देखा जाए तो ये बस ये है। लेकिन इस ये काफ़ी इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। आप सबको विशिंग यू ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली टू एवरी वन, प्रॉस्परस दीपावली, हैप्पी दीपावली टू एवरी वन। आप होप इसमें दिए जलाएं और पटाखे भी फोड़ें। जो लोग कह रहे हैं ना कि पटाखे ना फोड़ें क्लाइमेट के, उस पर मसला ये है, जड़ियाँ जंगां चल रही हैं, तोपे चल रही हैं, बमबारियाँ हो रही हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, उससे क्लाइमेट नहीं ख़राब हो रहा, उससे इन्वायरमेंट नहीं ख़राब हो रहा। ये दीपावली पे अगर कुछ लोग थोड़े से पटाखे पटोखे फोड़ लेंगे, फुलझड़ियाँ चला लेंगे, इससे क्लाइमेट खराब हो जाएगा, और माफ कर दें भाई, रहने दें। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भी जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तब भी इंडिया को जो है मोदीज इंडिया के नाम से जाना जाएगा, इतना उन्होंने इंडिया के लिए काम कर दिया और इतना उन्होंने इंडिया का जो इमेज है पूरी दुनिया में जो बेहतरीन क्रिएट कर दिया, जितनी उन्होंने पूरी दुनिया की मार्केट इस वक्त कैप्चर की हुई है। नरेंद्र मोदी साहब के दो टेन्योर हो चुके हैं, तीसरा वो गुजार रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया को मोदीज इंडिया के नाम से याद किया जाएगा। देखिए एक तो मोदी को इसमें टाइम काफी हो गया, उसका थर्ड टेन्योर स्टार्ट हो गया है, और देखिए मोदी ना जो भी है जैसे भी है वो एटलीस्ट अपनी जो नेशन है उसके साथ तो हमें तो फिलहाल सिंसियरली लग रहा है। देखें आपकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, आपके जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है वो आ रही है, उसके अलावा ये है कि आपके ओवरऑल इमेज बेहतर हो रहा है, तो मोदी इन सब पे काम कर रहा है। व्हाट्सएवर मोदी से हमें सौ खिलाफ आता हूँ, लेकिन वो अपने इंडिया के लिए तो सही कर रहा है ना।